बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा टू माय चैनल बेनविस ट्यूब। कैसे हैं व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह लेकर जा रही हूं और ये है सेल, वो भी अप टू 90%। जी हाँ, ये है जशन मल की वेयर हाउस सेल जो कि एवरी ईयर होती है और इस साल भी हो रही है मैदान होटल में जो कि है नादल शेबा के एरिया में, और वहीं पर ही इस वक्त हम जा रहे हैं। तो वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की सेल है, कौन कौन सी प्रोडक्ट रखी हुई हैं, क्योंकि मोस्टली इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं और बहुत ही अच्छी ब्रांड, सारी जो हाई एंड ब्रांड्स होती हैं और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो सब इनके पास होती हैं। तो हमारा ये होटल आ चुका है, सामने आपको नज़र आ रहा है। ये इस होटल में जो गेट नंबर 5 है उसके जोन 4 में ये सेल लगी हुई है। तो मेरे वो व्यूवर्स जो कि यूएई में रहते हैं वो अगर यहाँ आना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये सेल 16 अक्टूबर तक है। तो आप आराम से यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और नीचे जो एक बहुत बड़ा हॉल था इनका, वहाँ पर सारे इनके जो इलेक्ट्रॉनिक के बड़े आइटम्स थे वो रखे हुए थे, जिनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, वाटर डिस्पेंसर और इसी तरह की दूसरी चीज़ें नीचे रखी हुई थी। इसके अलावा ऊपर भी एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर सारे जो छोटे आइटम्स थे वो सारे ऊपर रखे हुए थे। तो मैं पहले आपको ये नीचे का दिखा देती हूँ पूरा, आप देख सकते हैं कि किस कदर सामान रखा हुआ है और इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर एक ये एयर फ्रायर हमें नज़र आया था, क्योंकि एक्चुअली हम एयर फ्रायर की ही सर्च के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ओपन पीस नहीं था तो इसलिए नहीं, फिर हम ऊपर गए और वहाँ पर फिर हमने देखा जो हमें चाहिए था। तो इसके बाद मैं आपको ऊपर का भी दिखाऊंगी पूरा कि ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट रखी हुई हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश भी है, हालांकि हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे क्योंकि संडे था तो अर्ली आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोग पहले से मौजूद थे और थोड़े टाइम के बाद तो अच्छा खासा रश हो गया था। चलें, अब ये हम ऊपर पहुँच चुके हैं और मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ कि ऊपर किस तरह सी चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई थी प्रोडक्ट्स की, जिसमें डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी, जिसमें राइस कुकर्स बहुत ज़्यादा टाइप के थे, इसके अलावा कैनवुड की बहुत ज़्यादा थी, जिसमें फूड प्रोसेसर और हर तरह की मशीनरी जो थी वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कॉफ़ी मशीन की, जिसमें छोटी बड़ी हर तरह की मशीन इंक्लूड थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ओवन है और राइस कुकर्स हो गए, मतलब समझे जो चीज़ जितनी भी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स वो सारी की सारी यहाँ मौजूद थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्राइस में भी अच्छा खासा डिफरेंस है और लोग जो हैं खूब भर भर के सामान लेके जा रहे थे। और इसके अलावा हेयर सेटिंग के हिसाब से अभी मुझे देख कर याद आया कि बेबीलिस की भी काफ़ी प्रोडक्ट थी वहाँ पर, और हेयर सेटिंग से रिलेटेड जिसमें कर्लर, रोलर्स, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर थी। इसके अलावा ये एक एयर फ्रायर कैनवुड का रखा हुआ था, जिसके जो कि दो पोर्शन में था, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा ये कन्वीनियंट नहीं लगा कि क्योंकि छोटे छोटे पोर्शन थे तो एक वक्त में बड़ा कोई आइटम नहीं इसमें पक सकता था, तो इसलिए मैंने इसको फिर ड्रॉप कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर वैक्यूम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर टाइप के वैक्यूम्स यहाँ थे, छोटे बड़े, कार में यूज़ करने वाले, इस तरह के सारे। और एक यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट रखी हुई थी जो कि मेरे मतलब की थी, लाइक जिस तरह का मुझे एयर फ्रायर चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट रखी हुई वो डिफेक्टेड हैं तो ये सेल करने के लिए नहीं है, वरना यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन ये कि ये सेल करने के लिए नहीं थी तो फिर हमने इनको छोड़ दिया। लेकिन ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आप लोग आना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें, आपको हर रेंज की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, हर क्वालिटी की, हर ब्रांड की चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। और ये जो आपको ढेरों ढेर यहाँ पर सूटकेस नज़र आ रहे हैं और इस कदर रश नज़र आ रहा है कि जैसे कि यहाँ फ्री में बैठ रहे हों, और बाकी लोग इस तरह से ले लेके जा रहे थे कि जैसे फ्री में मिल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस बहुत ड्रॉप हुई हुई थी, सारे ब्रांडेड ये थे सूटकेसेस और सब पे बहुत अच्छी इनकी प्राइसेस थी, सारे जो है वो बहुत अच्छे डिस्काउंट में थी, तो खूब ले रहे थे लोग।
तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, हर तरह के आइटम थे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर मौजूद हैं इस तरह से। लेकिन ये कि जो मुझे चाहिए था एफर, वो तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मुझे एक दूसरा ग्रिल मिल गया था जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करना था क्योंकि मेरे पास छोटा था, तो वो मैं फिर यहाँ से मैं लेकर आ गई थी। तो ये मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग अपने उस प्रोडक्ट की जो कि मैं लेकर आई हूँ। ये रसल हॉब्स का है 3-in-1 ग्रिल, आप देख सकते हैं इसको, देखने में बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही एलिगेंट सा है। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ और इसकी वारंटी भी है, 1 ईयर वारंटी के साथ ये सेल हो रहा था। और इसका एक अच्छा जो ऑप्शन था ये था कि इसके अंदर एक ऑयल ट्रे थी साथ में, जो कि ये कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसमें निकल जाएगा, तो ये कि काफ़ी हेल्दी भी रहेगा इसमें, अगर आप कुछ ग्रिल करते हैं या कुछ कुछ भी बनाते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसके अंदर ट्रे थी, इसके अंदर आप इसको फिक्स कर देंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं इसकी जो शक्ल है बहुत ही खूबसूरत सी है। तो बस ये चीज़ एक मेरी काम की आ गई है और ये है कि मैं इसको यूज़ करूँगी और इसका भी मैं रिव्यू भी दूँगी कि इसमें बन के कैसा बना है खाना, कैसा कुक हुआ और किस तरह से इसको मैंने यूज़ किया है, मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगी। तो ये देख सकते हैं ये ट्रे है, ये इसके नीचे एक स्पेस दी हुई है, वहाँ पर ये फिक्स हो जाती है इसके अंदर जाके, इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे और जब हम कुकिंग करेंगे तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पीछे से ट्रे के अंदर, जो छोटी ट्रे है उसके अंदर गिरता रहेगा यहाँ से। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग छोटी थोड़ी सी, और उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो मेरे यूएई के व्यूअर्स हैं वो ज़रूर विज़िट करें। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा ज़रूर जाएँ वो और ज़रूर वहाँ जाके प्रोडक्ट देखें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।